अब्बू को अखरोट बहुत पसंद है और मैं जम्मू से अखरोट लाना भूल गया। हम पहाड़ों में भेड़ पालने वाले कबीले से हैं साहब जी। अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने आए थे। ओ बाबू साहब, अरे ओ बाबू साहब, किसे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ इसे, छोड़ो। अरे कहाँ जा रहा है? कहाँ मिलेगा पानी इस वक्त? अरे अमित, यहाँ कहाँ लिया है यार तू? शांत रह, क्वेश्चन मत कर, चलता चल। खुदा के वास्ते हम पर रहम करिए और यहाँ से चले जाइए। पहले आप वादा कीजिए कि कल हमसे मिलने आएंगे। तू ठीक तो है? Are you okay? फंस गया यार। कहाँ फंस गया? पकड़ा गया। कहाँ पकड़ा गया? क्या हुआ? डिटेल में बता ना। पानी भी नहीं है। ठहर मैं लाता हूँ कहीं से। अरे तू कहीं मत जा। तू हाँफ रहा है यार, तुझे पानी चाहिए? नहीं चाहिए पानी भैया। हुआ क्या है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? पानी लेने के लिए हम गलती से कबीले में घुस गए और वो जाग गए। बहुत मारपीट हुई, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ यार। पर शाहिद कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे लगता है वो पकड़ा गया होगा। क्या? तुम लोग रुको, मैं शाहिद को देख कर आता हूँ। देख के मत जा यार। लो आ गए साहब। अरे यार करिश्मा हुआ। क्या करिश्मा हुआ? ये ले पानी। ये पानी कहाँ से लाया तू? अरे यार आसमान से एक परी उतरी और उसके हाथ में जादू से पानी का एक घड़ा आ गया और उसने वो घड़ा हमारे आगे कर दिया। जानते हो उसने क्या कहा? क्या कहा? क्या 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 कहा? ये लो, जन्मों की प्यास बुझाने के लिए पानी। जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए एक घड़ा पानी। ये तो हाइट हो गई यार। शायद ठीक ठीक बता यार, बात क्या है? गोलमोल बात मत कर। अरे यार मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, कसम से। मेरी मुलाकात एक परी से हुई और उसने कहा कल वो फिर आएगी। क्या बात कर रहा है यार शायद? अरे मैं तुम लोग को हैरान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तू उस लड़की से मिला था? शायद, I tell you, वो नहीं आने वाली। ये लोग बहुत खतरनाक लोग होते हैं यार, ऐसी थोड़ी अपनी लड़की को सड़क पर घूमने के लिए छोड़ देंगे यार। बात कर रहा है। नो वे, वो आएगी, वो जरूर आएगी, उसे आना ही होगा, खुदा गवाह है, वो जरूर आएगी। अरे she has promised यार। Promises are made to be broken my friend। मेरा दिल कहता था तुम जरूर आओगी। आपसे वादा किया था सो आ गए, पर अब हम लौट रहे हैं। जब लौटना ही था तो आई क्यों? हमारे कबीले के लोग झूठ नहीं बोलते बाबू साहब, वो अपनी कसम भी नहीं तोड़ते, वो अपना वादा निभाते हैं और वादा खिलाफ ही नहीं करते, इसीलिए तो हम आ गए। तो सुन लो, मैं भी एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ वादा तोड़ते नहीं, कसमें खाते हैं और निभाते हैं। मैं भी कसम खाता हूँ कि अगर तुम जल्दी लौटने की बात करोगी तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। हम जानते हैं बाबू साहब, तुम जैसे शहरी लोग हम जैसे गांव की मासूम लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातें करके जाल में फंसा लेते हो, पर हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम सब समझते हैं। अब तो यकीन है साहब, ये सब बरकतें करके आप हमें अपनी बात मानने पर मजबूर मत कीजिए। हमारे कबीले के लोग ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ की तहजीब, यहाँ का तरीका ऐसा नहीं है। आप हमें जाने दीजिए और फिर से आपसे मुलाकात मुमकिन नहीं है। अरे शायद यार कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है? कुछ नहीं बस यार थोड़ा सा। ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लग गई यार। अरे डॉक्टर के पास चल। ठीक है यार, चल 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 चल।
आजा आजा डॉक्टर के पास चल चल। क्या हुआ इसे? बहुत तेज बुखार है यार, एक घंटे से पट्टियां कर रहा हूँ लेकिन बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। टैबलेट्स वगैरह भी दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हमें किसी होटल में शिफ्ट कर जाना चाहिए, यहाँ रहकर अमित की हालत और भी बिगड़ सकती है। ठीक कहते हो। अरे यार तुम लोग मेरी चिंता मत करो, दो चार दिन में बुखार उतर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आई जस्ट नीड रेस्ट मैन। तुम लोग मेरे चक्कर में अपना एडवेंचर खराब कर रहे हो यार, इट्स वेरी स्टूपिड ऑफ यू। ठीक है, इसे भी डॉक्टर के लिए चलते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो एक दो दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। ओके? नो शायद। या कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन चल। तेरे हाथ को क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस चोट लग गई, कुछ नहीं, चल। आराम से, बस आ गए, फिक्र मत कर, आ गए। लग रही है यार। बस आ गए यार, आ जाओ। बैठे। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, विजिट के 50 रुपए अलग से लेता हूँ। हाँ अगर वो बचाने हैं तो पेशेंट को यहाँ ले आइए। लेकिन विजिट करने के लिए क्या है, कौन रहा है डॉक्टर साहब? है पेशेंट आपके सामने है। सामने कहाँ? ये है ना इधर। अच्छा 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 अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जब हम ऐसे पेशेंट का इलाज कर सकते हैं जो अपनी बीमारी को बयान नहीं कर सकते तो इसका भी नहीं कर सकते हैं। ये तो बयान करेगा, बताएगा ना। बेसिकली किसी की भी हो, बॉडी इज ए बॉडी। और लगी किसी को भी हो, बीमारी से बीमारी। ओए, ओए डॉक्टर, ओए तू कैसे डॉक्टर है भाई? पिछले 15 दिनों से हमारा जुमरी तुम्हारा दवाई खाते, अभी तक उसका हालत में तब्दीली नहीं हुआ। ओ फतेह खान जी इतना रखिए, मैं अभी चलता हूँ, आप जरा बैठिए। कमाल का डॉक्टर है यार तू। एक कुछ मरीज हैं, इनसे मैं फारिग होके चलता हूं आपके साथ। लेडी आप लोग। ओ डॉक्टर भाई, तुम कैसे डॉक्टर है? ए, हम तुमको कहते चलिए, तुम कहते लेडी है? ए, हम इंतजार नहीं कर सकता इधर में, ये पकड़ अपना झोला और चल हमारे साथ चल। अरे कैसे आदमी आप, ये मरीज देख रहे 3 दिन से बुखार आ रहा है इसे, और आप है कि तो क्या हुआ है? अगर हमारे झुमरी को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेवारी लेगा उसकी? अगर आपकी झुमरी है तो मेरा भी दोस्त है, इसे कुछ हो गया कौन जिम्मेवार होगा? आप? अरे तुम्हारा दोस्त है तो क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त कोई खीन खाब है? हाँ खीन खाब है, जानते कितना पढ़ा लिखा है ये? ओए पढ़ा लिखा होने से आदमी खीन खाब हो जाता है क्या? हाँ होता है। अगर हमारा झुमरी बेड नहीं होता ना तो हम भी उसको पढ़ा लिखा के खीन खाब बना लेता है। आपने हमारे मरीज बढ़ा दिए। वो तुम्हारा मरीज गया ना, अभी तुम चलो हमारे साथ, चलो बकवास नहीं करो, चलो बैल को ठीक करो, चलो। अरे सांस खींचो छोड़ो, सांस खींचो छोड़ो, अभी कुछ देर तक इन्हें लेटा रहना पड़ेगा ताकि दवाइयों का असर मालूम पड़ जाए, इसके बाद तुम जा सकती हो। जी डॉक्टर साहब। अमित भेजो। ये दवाई कुछ लिख रहा हूं, ये आप दवाई की दुकान से ले लेना, समझ गए आप? क्या हुआ, पढ़ना लिखना नहीं आता? जी डॉक्टर साहब,
इधर आइए। ये पहली वाली दवाई है दिन में दो बार दो चम्मच, और ये दूसरी वाली दवाई है दिन में एक बार, समझ गए आप? जी डॉक्टर साहब। लीजिए आइए। क्या हुआ तुम्हें? तीन दिन से बिल्कुल का नाम ही नहीं ले रहा। खाना तो सब नॉर्मल है। आप रहने दीजिए, खाना मुझे दीजिए, मैं लेकर चलता हूँ। लंबी उम्र दे बेटा, तुम ना होते तो हमें बड़ी दिक्कत होती, दवाइयों का भी पता ही नहीं चलता। खुदा ने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेजा है, उस खुदा का भी शुक्र है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं जनाब? ओए, पढ़ेगा क्या, हम लोग एक जगह टिकते नहीं है, कभी कहीं तो कभी कहीं। गुर्बत की मार है, खाने के वास्ते है नहीं तो मदरसा किधर से जाएगा? ये देखो मेहमान आए हैं। आराम से। शाबाश। ये शाहिद साहब है, इनको तो खुदा ने फरिश्ता बना के भेजा मेरे पास। मैं तो जानती नहीं थी बच्चे की हालत इतनी नाजुक है, उठा हम सकते नहीं, चला के ला नहीं सकते थे। शाहिद साहब रास्ता भर गोद में उठा के लाए हैं, ऊपर से डॉक्टर ने ये दवाइयां लिख दी। कौन सी दवा कैसे लेनी है मैं क्या जानू, शायद साहब नहीं होते तो मेरे को तो बहुत मुश्किल हो जाती। अरे खड़ी क्यों है, जा चाय बना, इतनी दूर से चल के आए। नहीं 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 खाला, मैं बस सिर्फ एक गिलास पानी पीऊंगा। अरे लगता है भेड़ बकरी का दूध पसंद नहीं है इसीलिए नहीं पीना चाहते। शाहिद साहब, हमारे लिए तो ये भेड़ बकरी सब कुछ है, इसी से हमारा पेट पलता है, हमारा घर चलता है, हमारा धंधा चलता है। नहीं खाला ऐसी बात नहीं है, मैं चाय भी पीऊंगा लेकिन कभी और, दूध भी पीऊंगा लेकिन किसी और दिन आकर। नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, चाय तो पी के ही जानी पड़ेगी। आप इस तरह से हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, खाला से मुलाकात तो सिर्फ एक इत्तेफाक थी, शायद मुकद्दर को यही मंजूर है। आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ कुछ सच और कुछ झूठ, तुम्हारी माँ से मुलाकात महज एक इत्तेफाक थी और तुमसे मिलना मैंने जानबूझकर प्लान की। क्या करूं, दिल पर काबू ही नहीं है, मेरी तरफ देखो जरा, मैंने तुम्हें एक खत भी लिखा, सोचा तुम तक पहुंचा पाऊंगा। अगर आज तुमसे मुलाकात नहीं होती तो शायद आज रात में तुम्हारे घर घुस जाता। राबिया ये चाय लेके जा। अम्मी जान बुला रही। Thank you.
कमाल का आदमी है शायद। मेरी हालत यहाँ पतली हो रही है और तू घूम रहा है, मैं कब तक अंदर बैठूं? अरे यार, अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने गया था। तुझे क्या बीमारी हो गई? दर्द दिल की दवा ढूंढने गया था। मिल गई दवा आपको? अभी तक तो नहीं, शायद रात तक। चल अभी चलते। मेरे जैसा एक भी दोस्त तो दुश्मन की जरूरत नहीं है किसी को। चल ठीक है, बाहर में दुश्मनी निकाल लेना। राबिया, मैं नहीं जानता ये खत मैं तुम तक कैसे पहुंचा पाऊंगा, पर मुझे पक्का यकीन है कि ये खत तुम तक जरूर पहुंचेगा। पर मुझे ये भी यकीन है कि हमारा रिश्ता खुदा ने बनाया है और हमारा रिश्ता ही हमारा मुकद्दर है। इस मुकद्दर में कोई खलल नहीं डाल सकता। अगर कोई और जन्म है तो हर जन्म में हम साथ हैं। शाहिद और राबिया का रिश्ता खुदा की नेमत है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आदाब खाला। अरे अरे साईं, क्या बात, इतने सवेरे सवेरे? मैं रोज सवेरे दूर तक टहलने निकलता हूँ। अच्छा। तो सोचा यहाँ से निकलता चलूं। आमीन की फिक्र थी ना मुझे। खैरियत से है भाई, तुम्हारी दवा से बहुत असर पड़ा है। हा? सब तुम्हारी मेहरबानी है। आराम फरमारे साहब जादे। अभी सोकर नहीं उठे, जाओ जगा लो, खुश हो जाएगा। देखो तो कौन आया है। राबिया, शायद आया है, इसके लिए चाय रखो। अम्मी, अम्मी जान। हाँ हाँ, आ रही हूँ आमीन, आ रही हूँ। अम्मी जाने दीजिए। तुम कल रात मुझसे मिलने क्यों नहीं? तुमने मेरा खत नहीं पढ़ा? मैंने तुम्हें उसे झरने पर आने के लिए लिखा था ना? हमें पढ़ना नहीं आता। ये चॉकलेट मैं राबिया को दूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तो राबिया तुम्हें देगी। राबिया, ओके आमीन? ओके क्या? ओके माने ओके। ओके माने ठीक है, बेहतर है। ओके आमीन? ओके चलो आमीन।
तुम थक गए होगे, अब सो जाओ। लाओ मुझे दो। अगर ये पढ़ लिख सकता तो आपकी सारी बातें बेहतर समझ लेता। इसमें कसूर किसका है? इसका स्कूल जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है साहब। क्यों, तुमको स्कूल जाने से कोई रोकता है क्या? हमारी तकदीर रोकती है। हम लोग जिस हालात में रहते हैं उस हालात में पढ़ाई लिखाई मुमकिन नहीं है साहब। हम लोग एक जगह पर नहीं रहते साहब, हमारा कोई एक मकाम नहीं होता, हमारे मकाम बदलते रहते हैं, पड़ाव बदलते रहते हैं। कुछ महीनों तक यहां रुकते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, कुछ दिनों तक वहां रुकते हैं फिर और ऊपर पहाड़ियों पर चले जाते हैं। जब मौसम बदलता है तो हम वापस नीचे की ओर लौट आते हैं और नीचे कहीं भी पड़ाव कर लेते हैं, और जब नीचे का मौसम बदलता है तो हम फिर से ऊपर की ओर चल देते हैं। ऐसे हालात में हमारे कबीले के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे साहब? किसी एक स्कूल में दाखिला कैसे होगा? और इम्तिहान तो दे ही नहीं सकते। जहां हमारा ही ठिकाना नहीं वहां हमारी पढ़ाई का क्या ठिकाना होगा? ये आने जाने का चक्कर ही हमें पढ़ाई से महरूम रखता है साहब। यही मुकद्दर है, इसलिए आप जैसी तालीम हमारे बस में तो नहीं है साहब। अरे ये पीली गोलियां तो खत्म हो गई। अम्मी पीली गोलियां लानी पड़ेंगी। अम्मी को रहने दो, मैं शहर जाकर दवाई ले आऊंगा। के लिए लिखा था ना? हमें पढ़ना नहीं आता। हम लोग एक जगह पर नहीं रहते साहब, हमारा कोई एक मकाम नहीं होता, हमारे मकाम बदलते रहते हैं, पड़ाव बदलते रहते हैं। ऐसे हालात में हमारे कबीले के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे साहब? किसी एक स्कूल में दाखिला कैसे होगा? और इम्तिहान तो दे ही नहीं सकते। तुम्हें कब अक्ल आएगी रहमान? हमारे शाहिद के लिए ये लड़कियां ढूंढी है तुमने? अरे अम्मी खराबी क्या है, खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ये। हमारे शाहिद एमएससी करके एमबीए कर चुके हैं, तुम्हारा कारोबार संभालेंगे या फिर किसी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर काम करेंगे। अरे उसके पल्ले ही ऐसी जाहिल लड़की बांधोगे? एक मिनट अम्मी, एक मिनट। ये जो लड़की देख रही हैं आप, ये बीए पास है और ये लड़की जो है ये एमएससी कर रही है और ये बीएड कर रही है। शाहिद के बराबर तालीम शुदा लड़की ढूंढो। सुन रहे हैं साहबजादे, आप अब दादी के चक्कर में आप कुंवारे बैठे रह जाएं तो मेरा कसूर मत समझना। हाँ आई डोंट माइंड अब्बू। आई नो यू डोंट हैव माइंड यार। अरे लड़की नहीं मिलेगी तो बूढ़ा नहीं हुआ जा रहा है हमारा शाहिद? सब्र से ढूंढो, मिल जाएगी।